डीसी मोहम्मद अयूब खान का इलेक्शन के लिए कायम कंट्रोल रूम का दौरा। दौरे में डीसी साहब ने तमाम तरह सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया और क्लोज सर्किट कैमरों का भी जायजा लिया गया। हर जो बंदा है वो अपनी अपनी मसरूफियात में है, हर कोई जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। इसी सिलसिले में बहावलपुर से आपको खबर दे रहे हैं कि डीसी मोहम्मद अयूब खान ने इलेक्शन के लिए जो है वो कंट्रोल रूम का दौरा किया है। ये कंट्रोल रूम जो तमाम तरह मॉनिटरिंग करेगा उसका दौरा किया गया है डीसी साहब की जानिब से। बहावलपुर से आपको खबर दे रहे हैं, डीसी साहब ने क्लोज सर्किट कैमरों का भी जायजा लिया है। एहसास पोलिंग स्टेशन को कंट्रोल रूम से मुसलसल मॉनिटर किया जा सकेगा। आपको खबर दे रहे हैं बहावलपुर से, जहां पर डीसी मोहम्मद अयूब खान ने इलेक्शन के लिए कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया है और तमाम तर कैमरों का भी जायजा लिया है कि क्लोज सर्किट कैमरे जो है वो कहां कहां पर लगे हैं और कैसे कैसे काम करेंगे, ये तमाम तर जायजा जो है वो लिया गया है। और जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहां की तमाम जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर किया जाएगा कंट्रोल रूम से मुसलसल तौर पर। बहावलपुर में दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर की सहाफियों को भी ब्रीफिंग जो है उन्होंने ब्रीफिंग दी। मीडिया से भी कोई भी हसास बात हो तो हमसे शेयर करें, ये मीडिया से डीसी साहब ने कहा कि कोई भी हसास चीज आप देखें तो हमसे शेयर जरूर करें, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम का काफी जायजा लिया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम तर जो सूरत हाल है इलेक्शन की वो अमन के साथ जो है वो पूरी हो जाएगी। बहावलपुर से आपको खबर दे रहे हैं, डीसी मोहम्मद अयूब खान ने इलेक्शन के लिए कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया है।